एक लाइन वर्ड तो मतलब, अच्छा चलो एक वर्ड, अब कुछ भी ऐसे झकास नल्ला ऐसे नहीं नहीं नल्ला बिल्कुल नहीं, क्या बोल रहे हो, नीचे से गालियां निकाल रही थी औरत वो आपको, मेरी मुझे पता है तो बताओ अलग बात है वर्ड, पूरा पूरा सेंटेंस, आई थिंक ऑपोजिट ऑफ नल्ला, आई थिंक फुल्ली होलसम, मतलब फुल्ली होलसम, हाँ आपको मतलब सारे इमोशंस, पूरा एक कंप्लीट एक्सपीरियंस जो आपको सह परिवार आके थिएटर में देखना चाहिए, correct. वैसा वाला एक्सपीरियंस। विकी यू आपको भेज दिया नीचे ना इन लोगों ने, मुझे दादा दादा सुनाई दे गया था वहां पे, मुझे पता चलता है। हाँ जी यार, बिफोर वी स्टार्ट अबाउट द फिल्म, आई जस्ट वांट टू से इट फील्स so amazing to be standing here after so long. ये theatrical release है मेरे और सारा की after a long time. Give it up for these guys, yeah. ये हम दोनों के हम रिक्शा में आते थे, ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी इससे पहले बड़े पर्दे पर कोविड से पहले आई थी पिक्चर, तो ऐसा लग रहा है अरसा हो गया, तो मुझे ना नर्वसनेस भी हो रही थी क्योंकि इस इवेंट की भी मुझे ऐसा लग रहा था अब शायद आदत तो नहीं छूट गई कैसे मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था यार, मैं ऐसे जो हमारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, हाँ मैं वहां जब खड़ी थी और देखा कि मतलब सच में मतलब बकायदा बिग पोस्टर्स इन अ सिनेमा हॉल वेयर देयर्स पॉपकॉर्न, इट वाज लाइक वाओ। टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक दैट वन वर्ड मेरे हिसाब से व्हिच मेड मी से अ यस टू दिस फिल्म, करेक्ट, इन द फर्स्ट प्लेस वाज ये फिल्म सह परिवार है, एब्सोल्युटली, ये मुझे परिवार की याद दिलाती है, एंड आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस फिल्म विद अ परिवार। हमने शूट की है विद द मैडॉग परिवार एंड विद अ वंडरफुल co-stars, जो हम एक परिवार ही बन गए थे, एंड इट जस्ट इज वेरी गुड टू बी बैक टू दिस परिवार ऑल्सो द मीडिया, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक यू नो हमारी बातचीत एंड ऑल, मैंने बड़ा मिस किया ये सच में, जूम में बहुत बातें कर ली, अब लाइव बात करते हैं। ऑन दैट नोट, हमारे परिवार के कैप्टन मिसिंग है लक्ष्मण उत्तेकर, ही इज नॉट हियर, सो आई लाइक टू टेक टू मिनट्स, दिस इज आ थर्ड फिल्म टुगेदर, ये हमारी तीसरी पिक्चर है, हमने लुका छुपी और मिमी बनाई है, एंड आई थिंक सब परिवार का इमोशन लक्ष्मण उत्तेकर से बेटर कोई नहीं समझता, यू नो वी हैव डन एंड वी आर रियली रियली मिसिंग हिम, यू नो ही इज लॉस्ट हिज फादर, दैट्स द ओनली रीजन ही इज नॉट हियर, एंड व्हेन यू सी दिस फिल्म विदाउट लक्ष्मण उत्तेकर देर इज नथिंग हटके ओनली बचके फॉर दिस फिल्म, बिकॉज ही इज द वन हु हैज यू नो लिव्ड दिस फिल्म, और उनकी बहुत वो चाहते थे मिम्मी थिएटर में आए, तभी हम ला नहीं सके, और उनका यही था डिमांड, सो द रीजन वी आर कमिंग इन सिनेमाज इज बिकॉज ऑफ हिम, एंड वी रियली रियली मिस हिम टुडे। हैव अ सीट, हैव अ सीट, बैठे बैठे अपने कटघरों में बैठे, आप बैठे, उनके साथ का क्या मतलब है, बैठिए, औरतें होती पराया हैं, औरतें होती ही पराया हैं, पराया धन, क्या बोले, या अकेली इज इनफ, सी लुक एट दैट वुमन पावर राइट देयर। पहला क्वेश्चन, शादी के फायदे सबको पता होते हैं, सबने डिफाइन करे, डिवोर्स के फायदे और नुकसान किसको पता है, दिनेश, ये विक्की ने नीचे उंगली करी ऊपर, डिवोर्स का फायदा क्या होता है, डिवोर्स का फायदा विक्की आपके हिसाब से, अपना फायदा सोच के जवाब दे, मम्मी और बीवी को मिलने की जरूरत नहीं है, और बिफोर यू आंसर विक्की आल्सो घर जाना है आपने, डिवोर्स का फायदा यार देखो आप भी थी नहीं है ऑब्वियसली, पर डिवोर्स का फायदा यार पता नहीं, अकेले हो जाते हो शायद उसमें भी कुछ खुशी है। तुम बता सकते हो यार, मैं तो मैं देखो देख रहा हूं मैं कितना खुश हूँ, नाक छिदवा के कितने मर्द घूम रहे होते हैं, यही करता आदमी जब डिवोर्स हो जाता है, दुनिया में छेद करवा रहा है अपने नाम को। डिवोर्स का फायदा ये है कि आप ट्रेलर लॉन्च करवा सकते हो, हाँ है ना, हाँ। वहां से आगे पीछे गाली, अरे दादा नीचे। दिनेश, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, व्हाट इज बेटर, आई नो इट्स अ क्वेश्चन, मैरिज बिकॉज दैट इज हाउ यू कैन गेट डिवोर्स, बिकॉज आई एम मैरिड। अच्छा अच्छा सारा आप जी क्या आप शादीशुदा, कितनी शादियां कर रहे हैं, आई लव सारा, लाइक क्या या मतलब व्हाट, डिवोर्स के फायदे, फायदे या नुकसान, फिर से शादी कर सकते हो, थोड़ा बहुत अनुभव भी होता है, आई अज्यूम यू नो राउंड 2, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 12, अप टू यू या, ये औरत मेरे को इतनी उम्मीद देती है ना जिंदगी में, मैं घर जाके बहुत अच्छे से सोने वाला हूँ। क्रॉस कल्चर, आप दुबे हैं और आप चावला हैं, क्रॉस कल्चर में क्या अच्छे फायदे होते हैं कि आपको एक दूसरे के बारे में जाने का मौका मिलता है, दूसरे कल्चर के बारे में जाने का पता चलता है।